ये मेरी बेटी बार बार इधर आ रही है, इधर आ जाओ। इसको एक दो चीजें मैं आप कहूंगा, वो आप सुनाएंगी। अंबिया के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजरा मुबारक है वो सुना दो उनको। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको सलाम करना चाहूंगी। और मेरा नाम आतिका बिनत इस्लाम है और मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। और अभी मैं आपको सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र है मैं सबसे मांगी, ताकि इस जो हमारी महफिल है इसमें सबसे पहले बरकत आए। क्योंकि जब भी हम हज़रत मोहम्मद या फिर अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो फिर बरकत आ जाती है। तो मैं अभी आपको सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन खुसई बिन किलाब बिन मुरा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुसैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माब बिन अनाम बिन औद बिन हमीसा बिन सलाम बिन औस बिन बौद बिन कमवाल बिन हुबई बिन अवाम बिन नशीद बिन हिजाब बिन गुलदास बिन यदलौ बिन तौबीक बिन जाहिम बिन नहिश बिन मौखी बिन अती बिन अबकर बिन उबैद बिन अतुआ बिन हमदान बिन सबर बिन यसरावी बिन यहजैन बिन यलहम बिन रवा बिन जीशान बिन ईसर बिन अकुनाब बिन हम बिन मुकस्मर बिन नाहिश बिन सौरफ बिन समी बिन मुजी बिन इवस बिन इराम बिन केदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन طارق بن نهور بن سروق بن رغبة بن فالك بن عابر بن عارف أخشر بن سام بن نو عليه الصلاة والسلام بن نابك بن متشارك بن إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلاي بن كنان بن أنوش بن شيس عليه الصلاة والسلام بن آدم عليه السلام। तो ये था हज़रत मोहम्मद का शजराए पाक और ये मैंने अभी आपको सुना दिया है। और इसके बाद अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो पाकिस्तान के आज तक प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। टोटल 31 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं और पहला प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है लियाकत अली खान, और जो अभी जो हैं प्राइम मिनिस्टर करेंटली उनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो मैं आपको इन सारों के नाम सुनाऊंगी। 1947 से लेकर 2022 तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उन सब के नाम। तो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजमुद्दीन, मिस्टर मोहम्मद अली बुगा, चौधरी मोहम्मद अली हुसैन शहीद सुहरावर्दी, इब्राहिम इस्माइल सिंगलिकर, मलिक फिरोज खान, मिस्टर नूर लामी, मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, मिस्टर मोहम्मद खान जुने जो मुद्रमा बेनजीर भुट्टो, गुलाम मुस्तफा खान जुतई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मिर बिलाल हुसैन मजारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मिस्टर मोइन कुरैशी, मुद्रमा बेनजीर भुट्टो, मलिक मिराज खालिद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मिर जफरुल्ला खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, मिस्टर शौकत अजीज, मिस्टर मियाँ समोरो, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, मिर हजार खान कुसो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क, मिस्टर इमरान खान, एंड लास्टली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो ये थे सारे नाम, और मैंने आपको ये सारे नाम वैसे ही नहीं सुनाए हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, पूरी एक पूरी फिलॉसफी है, कोई लॉजिक है जो मैंने आपको ही सुनाया है। तो कुछ रीजंस हैं जो हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है हमें वो हमारा मुल्क बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो जो हमारा मुल्क है कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा। तो मैं आपको उनमें से आज एक रीजन सुनाऊंगी बताऊंगी। तो एक रीजन ये है कि अभी जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम मैंने लिए हैं ना, इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का वक्त नहीं पूरा कर सका। जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको 5 साल का वक्त दिया जाता है। जैसे मिस्टर लियाकत अली खान है ना, ही उन्होंने 5 साल पूरे किए ना ही किसी और ने। तो अगर वो लोग 5 साल पूरे कर लेते, क्या वजह है कि मैं कह रही हूँ कि वो 5 साल पूरे करें? इसकी ये वजह है, जैसे वो हो सकता है 5 साल में वो ऐसे कोई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बना दें जिससे हमारा मुल्क आगे चला जाए। और उनको 5 साल का वक्त दिया जाता है, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स उसमें कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन फिर जब उनको 2 साल के वक्त में या तो उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है तो फिर वो जो उन्होंने जो चीज़ बनानी होती है, जो मेगा प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो उधर ही रह जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, मुझे कहते हैं कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे 1 साल के बाद या फिर 1 साल के बाद, तो आपने अपनी तैयारी करनी है और 1 साल का मुझे टाइम दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि मैंने उस हिसाब से चलना है। जैसे अगर मेरे 7 सब्जेक्ट्स हैं तो मैं ये करूँगी कि हर मंथ जो हूँ 1 सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँ, तो मैं इस हिसाब से चलूँगी। लेकिन वो फिर अगर मेरे से 3 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम ले लेते हैं तो मैं तो फेल हो जाऊँगी, मैं तो नहीं पास होने वाली। और कभी कभी